नमस्कार बंधु, जय श्री कृष्ण। आप सभी परिचित हैं कि 3 जून से 9 जून 2022 भगवान श्री हरि और हर अर्थात महादेव और श्री राम, महादेव या विष्णु, ये दोनों का संगम हरिद्वार है। अगर वृंदावन को भगवान का हृदय मानते हैं तो भगवान का जो दरवाजा है वैकुंठ का, वो हरिद्वार। तो बंधुओं, हरिद्वार में गंगा दशहरा में हम माँ गंगा की पूजा, माँ गंगा का कलश पूजा करने वाले, बिठाने वाले, जिससे हमारी पापों का क्षय होता है और हमारे पितरों का पापों का क्षय होता है, उनका उद्धार होता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिलते हैं, जागृति मिलती है और उनको चेतना मिलती है। इतने लाभ तो हमें तब होते हैं जब हम गंगा को खाली पूजते हैं और हम जब गंगा पर पहुंच जाते हैं, वहां पर गंगा पर बैठकर जब हम स्नान करते हैं गंगा का और गंगा का पानी पी के व्रत करते हैं, तो हमारी बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स होकर के जहर रहित हो जाती है, विष रहित हो जाती है और हमारे शरीर शुद्ध हो जाता है। गंगा का पानी पीने के लिए बहुत आयुवर्धक है। गंगा दशहरा की मान्यता बहुत बड़ी है, अनेक कथाएं गंगा दशहरा। गंगा दशहरा में श्रवण कुमार की भी कथा जुड़ती है, गंगा दशहरा में भगवान श्री राम जी की भी कथा जुड़ती है और गंगा दशहरा में दशमी आती है ना, गंगा दशमी, इसी को दशहरा कहते हैं। तो गंगा दशहरा जो आता है वो तब आता है जब भारत में चारों तरफ लू चल रही होती है, बीमारी फैल रही होती है। तो विज्ञान की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो गंगा दशहरा का जो स्नान होता है, उस स्नान को करने से हमारे शरीर की संपूर्ण गर्मी शांत हो जाती है। इसीलिए बंधु हम गंगा दशहरा हरिद्वार में मना रहे हैं। आप अपने पितरों के नाम से, अपने कल्याण के लिए और खुद के स्वास्थ्य के लिए, ये बहुत बड़ा इलाज है, वैज्ञानिक इफेक्ट, आप रीजन है इसका और साइंस इसको मानती है। क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे गांव हैं 10-15 गांव जहां पर 150 साल तक लोग जीते हैं गंगा के पानी की वजह से। वही पानी पीते हैं वो लोग, उसी से खाना पकाते हैं, तो कोई रोग धोग नहीं है, इतनी आयु तो डिफरेंस आधी उम्र का हो गया। तो हम चाहते हैं कि किसी भी पर्व के निमित्त हम वहां पहुंचते हैं तो हमें ज्यादा श्रद्धा होती है, तो उसका लाभ हमें मिलता है। तो मैं आमंत्रण कर रहा हूं आपको, और उसकी गंगा की अनेक महिमाएं हैं गंगा दशहरा से जुड़ी, जो आपके संपूर्ण पापों को खत्म करती है। आओ, आकर के अपने पितरों के नाम से आप कलश बिठाइए, वहां 7 दिन पूजा कीजिए, गंगा का पानी पीजिए, गंगा के तट पर रहिए, गंगा स्नान कीजिए, संपूर्ण पाप संपूर्ण रोगों से निवृत्त होने के लिए श्री हरिद्वार में आपका आगमन हो। तो मैं चाहूंगा कि आप वहां कलश बिठाएं, आप सम्मिलित हो उस आयोजन के, मुख्य आयोजक बने, मुख्य यजमान में नाम आपका है, आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएं जल्दी से, क्योंकि जिससे आपकी सुविधा हो सके, कमरे की, रहने की, खाने की व्यवस्था हो सके। तो जब भी आप गंगा दशहरा के निमित्त इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तो वैसे गंगा हमेशा ही सुखदायी है, पर गंगा दशहरा जैसे हुआ, पूर्णमासी का स्नान हुआ, अमावस्या का स्नान हुआ, ये अमृत है, पर गंगा दशहरा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है गंगा मैया की। तो आप अवश्य ही इसमें स्नान करिए। सोमवती अमावस्या में गंगा नहाने का जो फल है, उससे भी ज्यादा फल गंगा दशहरा का होता है मेरे बंधु। तो आप गंगा दशहरा स्नान करने आइए, मैं आपको गंगा दशहरा के ऊपर बहुत सारी कथाएं सुनाने वाला हूं और गंगा महिमा ही मैं सुनाऊंगा, गंगा महिमा के रूप में, गंगा महिमा भागवत कथा जो होगी वो अद्भुत कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो आइए हम हरिद्वार चलें और अपने पितरों का कल्याण करें और अपने स्वास्थ्य का कल्याण करें, इस भावना से हरिद्वार में जुड़ें और इस कथा का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।